हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम एमएस एक्सेल की इस वीडियो में गो टू ऑप्शन का उपयोग करना सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एमएस एक्सेल में हमारे पास चार टेबल मौजूद है। अब हम यदि बारी बारी से सभी टेबल में जाते हैं तो हमें बहुत टाइम लगेगा, और किसी टेबल में सुधार भी करना है तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम गो टू ऑप्शन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने चार टेबल ली हुई। अब गो टू ऑप्शन का उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें किसी भी एक टेबल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक करने पर यहाँ पर आपको डिफाइन नेम का ऑप्शन दिखाई देगा। डिफाइन नेम के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर न्यू नेम की ये सीट ओपन होगी। यहाँ पर आपको नेम पर सेल्स रिपोर्ट जो हमारी 2020-21 की है वहाँ पर नेम ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद आपको ओके पर प्रेस करना है। इसके बाद इसी प्रकार आपको सभी जो टेबल हैं वहाँ पर जाके राइट क्लिक करना है और डिफाइन नेम में जाके उन्हें भी ऐड कर लेना है। हम यहाँ पर सभी को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हम सभी को ऐड कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ सभी टेबल ऐड हो चुकी हैं। अब हम गो टू के ऑप्शन में जाने के लिए यहाँ पर हम फाइंड एंड सेलेक्ट में जाएंगे। यहाँ पर आपको गो टू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर गो टू में नेम सभी सेल्स रिपोर्ट आ चुकी हैं। अब हमें जिस भी सेल्स रिपोर्ट में जाना है उस पर क्लिक करना है और ओके प्रेस करना है। तो हमारे उस टेबल में हम पहुँच जाएंगे। गो टू ऑप्शन के लिए शॉर्टकट की है F5। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर गो टू ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप जिस भी टेबल में जाना चाहते हैं यहाँ पर आप क्लिक करना है और ओके प्रेस करना है, तो आप उस टेबल में पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार आप गो टू ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। थैंक यू।